हाय नमस्ते, मेरा नाम है मौली और मैं आप सभी का अपने मेहंदी वाले घर की इस फैमिली में स्वागत करती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी डायग्नोसिस ये कहती है कि आप सब मेरे मेहंदी वाले फैमिली के इस रिश्ते की खुशबू को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेहंदी वाले घर की एक फैमिली पिक्चर की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुभ काम की शुरुआत हमेशा बड़ों की आशीर्वाद से की जाती है, इसलिए मैं इस घर के सबसे बड़े हरी दादू और जानकी माँ, जो कि हम सब की फेवरेट हैं, उन्हें बुलाना चाहूँगी। उससे पहले आप लोगों में से कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जानकी माँ गलती की माफ़ी नहीं सजा देती है। तो अरे जानकी, सिर्फ हम दोनों की तस्वीर थोड़ी लेंगे, बाकी लोग कहाँ हैं, उनको भी बुलाओ ना। हमें सिर्फ अक्कू और ज्योति से मतलब है, बाकी जो आए अच्छा है और जो ना आए बहुत अच्छा है। जानकी, अक्कू, ज्योति, जल्दी आओ, कहाँ रह गए तुम लोग? अक्कू ज्योति मतलब अक्षय चाचू और ज्योति चाची। अक्षय चाचू इस घर के सबसे छोटे बेटे हैं, जिन्होंने सालों से इस घर के बिजनेस को अकेले संभाला है, और ज्योति चाची जिन्होंने इस घर को संभाल रखा है। जानकी माँ, मैं तो आ गया, ज्योति का पता नहीं घर के किसी काम में लगी होगी। हाँ तो घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सब कुछ मैंने ही तो करना होता है। कितने प्यारे हैं ना ये लोग। तो ऐसे ही आप लोगों को मैं एक और प्यारे इंसान से मिलाना चाहती हूँ, जो है इस घर के सबसे बड़े बेटे, इस घर के आदर्श और परिवार पे अपनी जान छिड़क देने वाले अजय ताऊ जी और उनकी प्यारी सी बीवी स्वरा ताई जी। स्वरा, अरे चलना, अरे, जल्दी चल, चल रहे हैं पापा। एक बात का ख्याल रखना, ये जो फैमिली से दूर रह के हम रहे हैं उसमें इतनी दूरियां नहीं आनी चाहिए फोटोग्राफ में। चल चल। हाँ हाँ, ये बात अपने भाइयों को भी समझा दीजिए, हम तो हमेशा से अपना फर्ज निभाते हैं। वैसे आज वो आने वाली है क्या? वो पता है कौन है? वो है चारों भाइयों की चहेती, सबकी जान, उनकी बहन मनीषा बुआ। चार नहीं, मेरा सिर्फ एक ही भाई है, अक्षय। जब बाकी भाइयों ने मुझसे मतलब नहीं रखा तो मुझे भी किसी से मतलब नहीं। पुरानी बातों को भूलकर नई यादें बनाने इसलिए हम सब यहाँ आए हैं ना। बाकी सब तो आ गए, अब मौका है आप सबको मिलाने का विजय ताऊ जी और मनोज पापा से, और उनके साथ उनकी बीवियाँ, विजय ताऊ जी की वाइफ तन्वी ताई जी और मनोज पापा की वाइफ अजंता मामा। आपको पता है एक टाइम था जब दोनों भाई बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते थे, और एक आज का टाइम है, रिश्ते वही हैं, बस मायने बदल गए। साथ में फोटो खिंचा रहे हैं विजू, अब तो स्माइल कर ले। देख, या तो मैं तेरे साथ खड़ा रह सकता हूं या स्माइल कर सकता हूं, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, दिखावे के लिए तो सबके साथ फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन जब परिवार को तेरे साथ की जरूरत थी तब तो पीठ दिखा के मुंबई चला गया था। तो तू कौन सा घर पे रह गया था? अगर मैं मुंबई चले गया तो तू लंदन चले गया? तू करे तो सब ठीक, मैं करूं तो गलत? बंद करो ये सब, एक साथ एक फोटो फ्रेम में नहीं रह सकते तो घर में कैसे रहोगे? जानकी, जानकी क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? फोटो तो खिंचवा लो। हमें नहीं खिंचवानी फोटो, सभा समाप्त। जानकी, जानकी, एक टाइम था जब अग्रवाल परिवार एक दूसरे के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे,
और एक आज का टाइम है, जब जब एक दूसरे के साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है। आई एम सॉरी, फैमिली पिक्चर तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आप सबका हम सबसे मिलना हो पाया। सबसे मिलना कहाँ हुआ है? आई ऑल्सो एग्जिस्ट, मेरा इंट्रोडक्शन कौन करेगा? अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये मिस्टर कौन है और इनका मेरी यानी मौली की कहानी में क्या किरदार है। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, तो जुड़ी रहिए हमारी और इस मेहंदी वाले घर की फैमिली के साथ सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 23 जनवरी से रात 9:30 बजे। थैंक यू। थैंक यू। या आप दोनों बैठ जाइए सो दैट पीपल कैन दिस वे यू कैन जस्ट। हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रुति आनंद है और मैं मेहंदी वाले घर में मौली का किरदार निभा रही हूँ। मौली एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, पॉजिटिव है, फैमिली ओरिएंटेड है, उसके लिए फैमिली हमेशा कम्स फर्स्ट। और मेहंदी वाला घर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो एक मतलब एक जॉइंट फैमिली की कहानी है, कैसे उतार चढ़ाव आती है, कैसे हम सब मिलकर चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक फैमिली में मिलकर रहे। और मौली का जो किरदार है, जैसा नाम ही उसका मौली है जिसका मतलब होता है जो हम हाथ में धागा बांधते हैं, तो वो परिवार को एकजुट करके रखना चाहती है। और किरदार मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आज की लड़की तो है लेकिन इसकी जो सोच है, माइंडसेट है, वो बहुत अच्छी है। मतलब वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसका मानना है कि परिवार एक स्ट्रेंथ होती है और वो फैमिली को लेकर उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स को सबको इग्नोर करके दूसरों की खुशी में अपनी खुशियां ढूंढने वालों में से है। हाय, मेरा नाम शहजाद शेख है और मैं राहुल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। राहुल एक NRI है जो लंदन से बहुत सालों बाद 20-25 साल बाद आया है। वो पहली बार एक जॉइंट फैमिली के एनवायरनमेंट में रहने वाला है और मेरे कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया जाएगा जब कोई इंसान या कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी फैमिली मेम्बर जो बाहर या एक इंटरनेशनल कंट्री में बहुत टाइम तक रहते हैं, जब वो वापस इंडिया आते हैं और अपने जॉइंट फैमिली के सिचुएशन में रहते हैं, तो उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे इंटरेक्शंस होते हैं। और इट्स अ फन लविंग लाइट कैरेक्टर एंड अ गुड हैप्पी गो लकी गाय। जिस तरह हमने देखा इंट्रो में, सबसे आखिर में एंट्री आपकी हुई जो राहुल के किरदार की, शो में कब एंट्री होने वाली, बीच में एंट्री होगी कि आखिर में ही एंट्री होगी? ऐसा ही कुछ है जैसा आपने बोला, शायद सही, आपको शायद किसी ने बता दिया। नहीं, मुझे बताया इंट्रो देख के और yeah. तो ये बहुत स्पेशल है हम सब के लिए, तो हमने इनको छिपा के रखा और आखिरी में इंट्रोड्यूस किया क्योंकि धमाका आखिरी में देखने को मिलेगा। हाउ नाइस ऑफ यू, थैंक यू। इस तरह का पारिवारिक शो काफी परिवार देखते हैं, उन परिवार के लिए मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि ये शो देखने के बाद हम लोगों के भी मन में रहता है कि you know, जिसके भी फैमिली में प्रॉब्लम हो कि एक साथ रहें, कुछ होना मन में रहता है, बोल नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल कैसी लाइफ हो गई है ना, अपने आप से मतलब रखना है, खुद का काम करना है ज़्यादा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा शो देख के कोई भी एक जन, ऐसा पहले भी हमारे डायरेक्टर सर ने भी कहा था कि कोई भी एक जन हिंदुस्तान का फ़ोन उठा के घर पर फ़ोन करता है कि चाचा, ताई जी, ताऊ जी याद आ रही थी, या फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यू नो, फॉर एग्जाम्पल, तो हमें लगेगा कि वी आर समवेयर नियर टू सक्सेस। बिल्कुल, एज अ शो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों के जो फैमिली सेंसिटिविटीज़ हैं और जो
वो सेंसिबल्स हैं जो मेमोरीज हैं उसी सारी चीज़ों को अलाइव रखें। एक आखिरी सवाल, राहुल का किरदार और एन आर आई का किरदार हम जब भी याद करते हैं, जब भी जिक्र होता है ये दो वर्ड का, शाहरुख सर का नाम हमेशा आता है। आपका कुछ अगर बताना चाहो कितना मैच होता है कभी खुशी कभी गम वाले? आई थिंक कहीं ना कहीं बेस लाइन के ऊपर आई थिंक द फाउंडेशंस ऑफ द कैरेक्टर आर वेरी सिमिलर, नाम भी राहुल ही दिया है, तो आई थिंक इट्स ओनली एन ऑनर, बट शाहरुख सर इज किंग, वी कैन ओनली डू सो मच, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट और होपफुली ऑडियंस को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए। 23 से शुरुआत होगी जी, जी 22 को बहुत बड़ा दिन है, उसके बाद 23 से एक शुभ दिन में राम जी का जिक्र ट्रेलर में भी देखा हमने, अगर कुछ बताना चाहोगे शुभ दिन पे शुरुआत होगी आप लोग की सीरियल की, अगर कुछ बताना? ऑल योर्स। दो दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है, बहुत स्पेशल है, मतलब पहले तो 22 तारीख बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, और उसके बाद हमारे शो की शुरुआत भी राम जी की मूर्ति से होती है, तो टचवुड बहुत स्पेशल है और हमें बहुत होप है इस शो से और बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू। ऑडियंस को स्पेशल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस को लगेगा ही नहीं कि हम शो देख रहे हैं, क्योंकि इस शो में हम वही दिखा रहे हैं जो परिवारों में होता है, वही बातें, वही रिश्ते, वही सिचुएशंस, उसी तरह की चीज़ें हैं। तो जो राइटर्स ने, हमारे प्रोड्यूसर चैनल ने जो इकट्ठा किया है, इसकी यूनिकनेस ही हुई है कि लगेगा नहीं कि हम कोई शो देख रहे हैं। जिस तरह से इस परिवार में घटनाएं घट रही हैं वो घर घर में होती हैं, जिस तरह से यहाँ पूजा पाठ हो रहे हैं वो घर घर में होते हैं, जिस तरह से यहाँ वार्तालाप है वो बिल्कुल पहनावा जो है, जो जिस तरह का आपको लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर्स तो हमने देखे हुए हैं, तो बस ये सारी चीज़ें हैं इस परिवार में, और हमें बहुत खुशी है कि हिस्सा बने हैं इस परिवार का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर निभा रहे हैं, और बहुत ही सीनियर एक्टर पेंटल जी के साथ ये मेरे पति का रोल कर रहे हैं, और उसके अलावा बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं, उनकी कास्ट है, तो बस इस तरह से है सफ़र शुरू। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात मुझे क्या अच्छी लगी कि सब्जेक्ट का जो मूल बेस है वो बहुत अच्छा है, बड़ा सॉलिड है, और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर साहब इसे बड़ा रियलिस्टिकली अप्रोच कर रहे हैं, तो ये नहीं लगता कि हम शूटिंग कर रहे हैं, ये लगता है कि किसी ने एक हंसते खेलते परिवार के अंदर कैमरा ले जाके चोरी से सब सिचुएशंस पिक्चराइज कर रहा है। वो जो अपनापन है, वो जो रियलिज्म की अप्रोच है घर की प्रॉब्लम्स, परिवार की प्रॉब्लम्स को डील करने की, वो बड़ी मज़ेदार हैं, और आपको क्योंकि अच्छे एक्टर हैं इस शो में, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको कहीं ना कहीं वो आपके अपने से रिलेट करता मिलेगा, क्योंकि रियलिस्टिक है, सिचुएशन ऐसी हैं, ट्रीटमेंट ऐसी है, और फिर ऊपर से हमें चैनल भी बहुत अच्छा मिला है, सोनी चैनल, जो इसे इतना अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये शो बहुत पसंद आएगा, और ये शो सोनी पे रात को 9:30 मंडे टू फ्राइडे आ रहा है रामायण के बाद। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, और सदियों से इंतज़ार था इस दिन का, और वो जो 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है, हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और हम चाहेंगे कि अब राम जी का जो आशीर्वाद है वो हमारे पूरे देश में रहे, और राम जी का आशीर्वाद हमारे शो पर रहे, और हमारा शो भी उसके अगले दिन ही शुरू होने जा रहा है, तो बहुत ही खुशी है, तो हम इसको बोलेंगे कि डबल सेलिब्रेशन है, ये डबल सेलिब्रेशन। हाँ नहीं, मैं किस बारे में? 22 तारीख, ऑफ कोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो रही है, तो वाकई हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है, और एक हिंदू होने के नाते मैं
बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा हमारे नेताओं का जिन्होंने ये पॉसिबल किया और दुनिया भर में राम जी का नाम हो, सुख समृद्धि हो, सब खुशहाल हो, ये देश बहुत ऊपर आए जिस तरह आना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ राम जी की कृपा हमारे इस छोटे से झोंपड़े में रहे, क्योंकि हमारा शो इससे शुरू हो रहा है, मेरी झोंपड़ी में भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे भाग जाग जाएंगे। तो बस उनके आशीर्वाद से हम ये 23 तारीख को शो शुरू कर रहे हैं, बाकी सब पे आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके इस प्यारे से शो के लिए। जय श्री राम। थैंक यू, जय श्री राम। सबसे पहले मेहंदी वाले घर के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। थोड़ा बताइए आपके किरदार के बारे में, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा जिस तरह टाइटल दिया है मेहंदी वाला घर, उसको सबसे पहले आपने जब सुना था इस तरह का टाइटल होने वाला है, तो आपके मन में क्या था? मेरे मन में एकदम से, हमारे ना गांव में एक जहाँ मैं रहता था वहाँ एक किक्कर वाला घर, वो उससे फेमस था। जैसे ही उन्होंने मेहंदी वाला घर, मैंने कहा कमाल की चीज़ है ये भी, मतलब उसी तरह से है जैसे इस शो की राइटिंग, मतलब आप फटाक से रिलेट कर लेते हो। तो हर एक किसी के यहाँ पे कोई ना कोई घर किसी ना किसी बात से फेमस होता था। जैसे मेरा घर जो, हम चार भाई थे, तो फेमस था लाफ्टर से। वो यार उस घर से ना बहुत ज़्यादा तेज़ हंसी की आवाज़ आती रहती है, तो एड्रेस भी पूछना नहीं पड़ता था, रवि को सही कहा रहता है वो, जहाँ आप आवाज़ें आ जाएंगी, लड़ने की आ जाएंगी, हंसने की आ जाएंगी। तो इस तरह से, तो इसी तरह से ये मेहंदी वाला घर, हमारे एक मेहंदी का बहुत बड़ा पेड़ है इस घर के अंदर, और उसकी वजह से पूरे शहर में फेमस था मेहंदी वाला घर। दिस इज़ द आइडिया बेसिकली। दिस इज़ रुशाद राणा प्लेइंग माई यंगर ब्रदर विजय, ये अर्पित कपूर यंगेस्ट अक्षय का रोल कर रहे हैं, और मैं रवि गोसाई घर के सबसे बड़े भाई अजय का रोल कर रहा हूँ मेहंदी वाला घर में, जो आने वाला है सोनी टीवी पर 9:30 सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। रट गई बात। कुछ बताइए आप लोग अपने किरदार के बारे में, थोड़ा ऑडियंस किस तरह से देखने वाले आपके किरदार। मेहंदी वाला घर चार भाइयों की कहानी है, पूरे परिवार की कहानी है, जिसमें मैं सबसे छोटा भाई प्ले कर रहा हूँ, अक्षय नाम है मेरे कैरेक्टर का। किरदार कुछ ऐसा है कि इन चारों भाइयों में बहुत प्यार, माँ बाप के दिए हुए बहुत सारे संस्कार, और बहुत ही प्यारी सी फैमिली थी। कुछ हादसे ऐसे हुए कि बड़े भाई लोगों ने घर छोड़ दिया, परिवार टूट गया, मगर अब वापस ये चारों भाई, बाकी तीनों भाई अचानक से उसी घर में आ गए। क्यों आए हैं, क्या पहले जैसे रह सकते हैं, फिर से प्यार होगा, क्या माँ बाप के संस्कार काम आएंगे, इसके लिए तो आपको मेहंदी वाला घर देखना होगा। इस तरह का जो किरदार आता है, जब चार भाई बिछड़ जाते हैं फिर रिटर्न आते हैं, तो बहुत बड़ा संदेश जाता है, काफ़ी जगह होता है, काफ़ी परिवार में ऐसा कुछ होता है, आप अगर बताना चाहेंगे सबसे बड़ा मैसेज क्या जाने वाला है ऑडियंस को? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक इस शो के ज़रिए ये मैसेज जाएगा कि एक जॉइंट फैमिली में रहना कितना महत्वपूर्ण होता है, जो कि आजकल हम शहरी लोग भूल गए हैं। मैं तो यहीं, मतलब मेरा बॉर्न और ब्रॉटअप सब यहीं से है, मुंबई से ही है, लेकिन जब भी मैं मतलब लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ, जैसे रवि जी की कहानी सुनी कि इनके चार भाई रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते, तो आई ऑलवेज़ फील कि वो मैं अपनी लाइफ में मिस कर गया, बिकॉज अब हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहना चालू हो गया। तो आई थिंक इस शो के ज़रिए एक जॉइंट फैमिली का जो प्यार होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो आप सबको देखने को मिलेगी, उससे आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड इसमें कहानी में जैसे कि इन्होंने बताया कि एक पॉइंट पे भाइयों में कुछ अनबन हो जाती है, भाई छोड़ के चले जाते हैं, फिर एक पॉइंट पे 20-22 साल बाद वापस रिटर्न करते हैं, तो आई थिंक इन सब चीज़ों से बहुत लोग, हमारी फैमिलीज़ रिलेट कर पाएगी, बिकॉज ये हर घर की कहानी है, जहाँ फैमिली होती है वहाँ पे प्यार भी होता है, वहाँ पे टकरार भी होती है, तो आई थिंक एवरीवन विल बी एबल टू रिलेट टू दिस स्टोरी। जॉइंट परिवार में रहने की अपनी कहानी बन जाती है कभी कभी, काफ़ी सारी, अगर आप लोग अगर जॉइंट परिवार में रहे हो या फिर रहते हो, तो आप लोग की कोई एक कहानी जो काफ़ी कमाल की हो, अगर कुछ शेयर करना चाहो। हाँ, मतलब मैं, मेरा जो परिवार है, मतलब हम रियल लाइफ में भी, मैं, हम चार भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, इस परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ, हम चार भाई हैं। जो मेरी रियल लाइफ की कहानी है वो यही है कि हम चार भाई थे, फिर एक नहीं रहा, तीन रह गए, उदास में तो ही एक की शादी हो गई तो तीन रह गए, फिर दो रह गए।
फिर मैं अकेला रहेगा तो मैंने कहा मैं भी नहीं रहूँगा, मैंने भी शादी कर ली। तो हम मिस करते थे वो, जो जब हम कवारे थे तो जो हमारी लड़ाइयाँ होती थी बहुत, बाद में लड़ाइयाँ होनी बंद हो गई, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, मतलब फिर अलग रास्ते पे चली जाती है। तो वो यादें ज़रूर हैं जब जॉइंट फैमिली की, क्योंकि जब इन्जॉय साथ रहना, साथ रहना शादी के बाद, के शादी दो फर्क हो गए कि शादी से पहले जो थी वो लड़ाई होती थी कि माँ के साथ कौन सोएगा भाइयों में, तो फिर लड़ते थे कि आज मम्मी के साथ मैं सोऊंगा आज मैं, बड़े होने के बाद भी शादी के बाद झगड़े ये ख़त्म हो गए क्योंकि सबको अपनी बीवी के साथ ही सोना होता था तब। हाँ तो वो झगड़े जो थे ना वो उस टाइप के मज़ा आता था। अब हर एक की खाने की चॉइस भी अलग होती थी, तो फिर देखते थे हाँ देखते हैं मम्मी किसको ज़्यादा प्यार करती है, हमारे लिए मतलब वो गोभी आलू बने हैं तो मेरे लिए राजमा चावल बनने हैं कि नहीं बनने हैं, देखते हैं तो कौन सी सब्जी ज़्यादा बनती। ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती थी। और जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपकी छोटी छोटी खुशियों के अंदर इतनी बड़ी खुशियाँ छुपी होती हैं जो आप जब अलग हो जाते हैं तब रियलाइज़ करते हैं उन चीज़ों को, आप सक्सेस पा लेते हैं। जैसे हमारे किरदार विजय ने सक्सेस तो बहुत पा ली, लेकिन ये जो मिस कर रहा है जो अंदर ही अंदर जिस जो चीज़ उसको कड़वा बना देती है रियल लाइफ के अंदर, वो आस्ता आस्ता कैसे रियलाइजेशन होता है भाइयों के अंदर, बड़े मसालेदार तरीके से आपके सामने परोसा जाएगा हमारे शो के अंदर। 23 तारीख के लिए ऑल द बेस्ट आप लोग को। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।